चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। और पिछले क्लास में हम लोगों ने दुर्ग संभाग के अलग अलग जिलों की मैपिंग स्टार्ट की थी, जिसमें अभी तक हमने दुर्ग जिले और बालोद जिले को पढ़ लिया है। तो जितने लोगों का छूटा होगा भी अच्छे से कर लेना, छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है। अभी हम लोग सीजी मैपिंग जिलेवार हम लोग कर रहे हैं, और इसमें हर जिले के अकॉर्डिंग क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे उसमें से क्या स्टेट हाईवे पास करता है, क्या नेशनल हाईवे पास करता है, ये सारी चीजों को हम लोग जानते हुए चलेंगे। ठीक है? हेलो हेलो, एक क्लास ले रहे थे ऐसा। हाँ, तो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को हम लोग समझ रहे थे। इसके अलावा हम वहां पर क्या मिनरल्स पाई जाती हैं, किस चीज की खेती होती है, क्या आप लोग के मतलब मिनरल्स बोले तो खनिज, तो क्या खनिज है, क्या हमारे खेती है, कौन सी सिंचाई व्यवस्था है, कौन सी नदी परियोजना या जलाशय वाटरफॉल वहां पर उपस्थित है, पर्वत पहाड़ घाटी, ये सारी चीजों को हम लोग जानते हैं, नेशनल पार्क फॉरेस्ट वन जीव अभयारण्य, ये सारा डाटा हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक एक करके पढ़ रहे हैं। बाद में ये चैप्टर्स बनते जाएंगे, परिवहन एक चैप्टर बनेगा, मिनरल एक चैप्टर बनेगा, सिंचाई व्यवस्था एक चैप्टर बनेगा, तो वहां पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, रिपीट करेंगी। चलिए, तो उसी कड़ी में आज हम लोग कौन सा जिला देखने जा रहे हैं, बेमेतरा। बेमेतरा कौन से जिले से निर्मित हुआ, तो भैया दुर्ग संभाग का क्षेत्र है, दुर्ग से निर्मित हुआ। जिले का दर्जा कब मिला, 2012, छत्तीसगढ़ के हैं, 2012 ऐतिहासिक साल था जब 9 जिले एक साथ अस्तित्व में आए थे। कितने जिले भाई साहब, 9 जिले एक साथ अस्तित्व में आए, जिसमें कल आपने बालोद भी देखा था और बेमेतरा, ये दोनों दुर्ग संभाग के जिलों के अंतर्गत आप लोग देखते हो। ठीक है, ये जीएस की जो क्लास है ये रेगुलर अभी ऐसी चलते रहेगी। अभी एक दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें, मतलब डबल क्लास चला रहे हैं। और एक बार आप लोग का सीजी जीएस बढ़िया हो जाएगा ना, तो आपका ऑफिसर बनने वाला जो सफर है वो आप मान के चलिएगा कि आप सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, मैपिंग को तो मैं थोड़ा सा और बात करने वाला था। इसके मैप को एक नंबर, एक राउंड रफली देख लीजिए, तो ये जो ग्रीन कलर से जो लाइन लिखी गई है ये नेशनल हाईवे है, क्या है, तो यहाँ कौन कौन सा नेशनल हाईवे है, और मैडम जी को जगह होता है, कोई बात नहीं है, जगह रही है। कितना अच्छा बनते हैं, खुद ही खुद ही, मैं नहीं थी। कौन कौन सा नेशनल हाईवे पास होता है, तो दो नेशनल हाईवे हैं, एक है नेशनल हाईवे 30 और दूसरा है नेशनल हाईवे 930। और स्टेट हाईवे में याद रखना, ये ऑरेंज कलर वाला क्या है, स्टेट हाईवे, कौन सा स्टेट हाईवे, 07, जो नवागढ़ मतलब एक तहसील है वहां पर जाके समाप्त हो रही है, बाकी नीचे उतर रही है कंटिन्यू। सबसे लंबी स्टेट हाईवे के बारे में हमने कल बालोद में बताया था, स्टेट हाईवे 05 सबसे लंबी स्टेट हाईवे के रूप में ली जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दुर्ग से कौन सी स्टेट हाईवे गुजरती है, तो दुर्ग से भी 07 गुजरेगी, इसीलिए दुर्ग का कोड भी क्या नाम रख दिया गया है, CG07। ऐसा जरूरी नहीं है, इत्तफाक है बस, वो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टेट हाईवे 07 यही उत्तर, बेमेतरा क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो नीचे उतरते हुए आप लोग को दुर्ग टच करते हुए निकलेगा, इसीलिए बेमेतरा के जो आसपास के समवर्ती जो जिले हैं, तो इधर से आप देख रहे हैं कौन है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ऊपर से कवर्धा, उसके ऊपर जाएंगे मुंगेली, बिलासपुर का हिस्सा बन जाएगा ये, इधर आने पे आप लोग का बलौदा बाजार और रायपुर, और नीचे से कौन है, दुर्ग है। तो टोटल कितने जिलों के, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के सीधे संपर्क में आ रहा है, तो भैया एक दुर्ग, दो खैरागढ़ छुई कदम गंडई, कवर्धा या कबीरधाम 3, मुंगेली 4, बलौदा बाजार 5 और रायपुर 6। टोटल 6 जिलों के सीधे संपर्क में है कौन, बेमेतरा जिला। तो बेमेतरा भू अवस्थित है, लैंडलॉक हो गया ना, छत्तीसगढ़ में 11 जिले भू अवस्थित जिले हैं वर्तमान डाटा 33 जिलों के आधार पर। ठीक है, चलिए, क्लियर शो नहीं हो रहा, सब कुछ तो क्लियर दिख रहा है, श्वेता ठीक से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, एक बार बता दो तो सब लोग, चीजें विजुअल है बढ़िया से, एक बार बताइए, दिख रहा है सर, ओके। चलिए, तो हम लोग नेशनल हाईवे में दो नेशनल हाईवे पकड़े, NH 30, NH 930, 930 NH 30 से कनेक्ट होती है, जो कहाँ जाके मिलेंगी, रायपुर में, तो ये रायपुर जिले में NH 30 930 कनेक्शन हो रहा है। ओके,
अब स्टेट हाईवे में आप लोगों ने देखा 07, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं, तो भैया ये जो मैंने ब्लू कलर से जो लाइन बनाई हुई है ना, ये नदी का पानी नीला, गाना सुनो ना, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है, तो इसीलिए हमने नीले कलर से जो बनाया है, ये क्या है, हमारी नदियां हैं। तो कौन सी नदियां पास कर रही हैं, तो पहला तो वेरी फेमस शिवनाथ नदी, और इसकी सहायक नदी कंदावनी की पहाड़ी से आने वाली हाफ नदी, जो कहाँ से आती है, कवर्धा, कबीरधाम जिले से, ठीक है, सोतिया पाट करके एक छोटा सा वहां पर जगह भी है, पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो बड़े सारे दुर्ग जिले के लोग उधर जाते भी हैं, दोस्त दोस्त लोग, ठीक है, एक ही काम रहता है पहाड़ के नीचे बैठ के पीना, और क्या होता है घूमने के नाम पे वो। चलिए आइए, तो यहाँ पर और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तो भैया साजा तहसील है, बिरला तहसील है, दुर्ग पॉलिटेक्निक का एक यूनिट यहाँ पर बिरला में खोला गया है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड रहते हैं। फिर नवागढ़, थान खमरिया और बेमेतरा, ये प्रमुख वहां पर क्या हो गए, लोकेशंस हो गए, जिसमें से ये चार आपके क्या हो जाते हैं, तहसील। इसके अलावा आप देखेंगे स्टेट हाईवे जब आप लोग 7 पे चल रहे होंगे, तो देवर बीजा, दानी टोला, देवकर, अच्छा साजा किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर याद रखेंगे साजा में कलचुरी कालीन शिव मंदिर है। आप सबको पता है कि भैया छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कलचुरी कालीन शिव मंदिर है, छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण कौशल का क्षेत्र था, मैंने बता दिया है आप लोगों को कि पहले छत्तीसगढ़ को अभी पढ़ो ना, तो हमको पता है 1778 में छत्तीसगढ़ में बस्तर आके जुड़ा कोटपार की संधि से, और 1905 में बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के 5 जिले संबलपुर क्षेत्र निकलकर चले गए कहाँ, उड़ीसा में, और उधर से पाटलिपुत्र मतलब बिहार से 5 जिले आके जुड़ गए छत्तीसगढ़ में, जिसको हम लोग सरगुजा संभाग बोलते हैं वर्तमान समय का, उसमें भी कोरिया अब स्प्लिट हो गया है, तो अब टोटल वहां पर 6 जिले हो जाते हैं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में टूट गया ना कोरिया जिला, तो अब टोटल सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं। पहले छत्तीसगढ़ जब नाम दिया जाता था, तो दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र कहलाता था, इसमें 3 संभाग आते थे, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कौन से, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, इसलिए इनका डेवलपमेंट खूब ज्यादा हुआ। खूब ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि मराठा के अधीन था, और मराठाओं के अधीन ये बात है ब्रिटिशर्स के अधीन गया, जो जो चीजें ब्रिटिशर्स के अधीन रही हैं वहां डेवलपमेंट तो हम लोग ठीक ठाक कराने लगे थे एक टाइम के बाद, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हम ही इंडिया में रहेंगे, उनको कौन पता था कि ये सब क्रांतिकारी लोग आ जाएंगे और हम लोग को खदेड़ देंगे, ठीक है। तो मामला आप समझिए आराम से, कि जो आपका बेमेतरा जिला भी है, किसका हिस्सा बन रहा है, दुर्ग संभाग का, तो दुर्ग संभाग का है, इसलिए मैंने आप लोगों से लिखा दुर्ग बिलासपुर रायपुर, कलचुरियों के अंतर्गत है, कलचुरी शिव भक्त माता के बहुत भक्त थे, रतनपुर में या जितने भी कलचुरी राजा ने राजगद्दी पर बैठे हैं तब तक माता का मंदिर बना है। रतनपुर में आप लोगों को पता है रत्नदेव प्रथम बैठा, महामाया मंदिर वेरी फेमस, सब लोग कई बार गए भी होंगे, वहीं पर फूटा घाट जलाशय भी है, छत्तीसगढ़ के 3 प्रधानमंत्री किसाई योजनाओं, किसान सिंचाई योजनाओं में से एक, ठीक है। इसके अलावा आप लोग की कलचुरी में भगवान शिव का मंदिर भी है, यहाँ पर आप देखेंगे इधर भी नवागढ़ बुचीपुर में भी क्या है, एक फेमस शिव मंदिर है, गिधवा क्या है, पक्षी विहार, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है ये, गिधवा क्या है, पक्षी विहार, ठीक, और जो नांद घाट है ये क्या है, पक्षी अभ्यारण है, ये क्या है भाई साहब, पक्षी अभ्यारण, ठीक है। साजा आप सब लोग को पता है, साजा का जो इस बार चुनावी परिदृश्य रहा वो छत्तीसगढ़ में काफी फेमस रहा, क्योंकि साजा से गद्दावर नेता थे कौन, रविंद्र चौबे जी, गद्दावर नेता का अर्थ होता है कि जो सत्ता पे हमेशा काबिज रहे, जिनको हिला पाना असंभव सा प्रतीत हो, उनको बोलते हैं गद्दावर नेता, तो गद्दावर नेता कौन थे, रविंद्र चौबे जी का क्षेत्र था, रविंद्र चौबे जी आपको पता है कि मिनिस्ट्री में भी थे, ठीक है, बाद में कुछ समय के लिए शिक्षा विभाग भी इन्होंने संभाला था, और सहकारिता और कृषि का तो इनके पास ही था, पर वहां पर आपको पता है कि ईश्वर साहू जी एक आम आदमी, हाँ वो उठे और छत्तीसगढ़ की माटी में ऐसी चमत्कार हुई जैसा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया के साथ हुआ था,
और फिर ईश्वर साहू वहां से भी जीता रहे, अभी विधानसभा के वहां के सदस्य हैं। ठीक है, कितनी डिस्ट्रिक्ट पढ़ा चुके हो? ऐप में अगर आप कंटेंट में जाएंगे तो बस्तर सॉरी सरगुजा हो गया होगा, बिलासपुर हो गया होगा, अभी दुर्ग कर रहे हैं, फिर रायपुर और बस्तर में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन समझ में आए। चलो फिर से रिपीट करना, ऊपर मत देखना, कितने नेशनल हाईवे? दो। कौन कौन से? NH30, NH930। स्टेट हाईवे? एक। कौन सा स्टेट हाईवे? 07। उधर देख के नहीं बताने का है। तहसील में देखा जाए तो चार, एक है खान खमरिया, बिरला, इधर आप लोग का साजा, और ऊपर में आ जाएंगे नवागढ़। ठीक है, नहीं लेते हैं, बेमेतर नहीं आता है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां पास करती हैं? दो नदियां हैं, शिवनाथ है, हाफ है, और छोटी मोटी और नदियां नाले होंगे, अलग बात है, पर दो प्रमुख नदियां हैं, शिवनाथ नदी और हाफ नदी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किसी को याद है? पाना बरस की पहाड़ियां, राजनांदगांव। और हाफ नदी का उद्गम कांदावली की पहाड़ी, कबीरधाम। ठीक है, चलिए बाकी इंपॉर्टेंट लोकेशन में आपने देखा सर कि गिधवा है, जहां पर पक्षी विहार है, मारोगढ़ है, नांदघाट जहां पर क्या है पक्षी अभयारण्य है, झालम है, ये सब पुरातात्विक स्थल है, बिरला थोड़ा शैक्षणिक रूप से संपन्न क्षेत्र में आता है, बाकी साजा, खान कमरिया, बेमेतरा, ये सब आप लोग आगे चल के एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो एक बार मैप ओवरव्यू क्लियर हो गया, कितने जिलों के संपर्क में है बेमेतरा जिला? 6 जिले। नीचे में दुर्ग, देख के नहीं बताना है, नीचे में दुर्ग, ऊपर में मुंगेली, लेफ्ट में 2 जिले हैं, बलौदा बाजार और रायपुर, और उधर जाएंगे तो आपके राइट के अकॉर्डिंग, आपके राइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर कबीरधाम है, और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, जो कि नवीनतम जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। ठीक, अब चलिए सारी चीजें दिमाग में सेट हो गई हैं, अब आते हैं सर कुछ फैक्चुअल डाटास के ऊपर, तो फैक्ट्स को थोड़ा सा आप देखेंगे। तो भैया बेमेतरा का जिला मुख्यालय भी कहाँ है? बेमेतरा। साधारण तौर पे जितने जिले होते हैं उनका जिला मुख्यालय सेम रहता है, बस कुछ जिलों में अपवाद है, जैसे बस्तर का जिला मुख्यालय आप पढ़ते हो जगदलपुर, और सरगुजा का जिला मुख्यालय आप पढ़ते हो अंबिकापुर, तो थोड़ा सा डिफरेंस एक दो जगह पे है, बाकी जगहों पे साधारणतः जो जिले हैं वही उसके क्या होते हैं सर, हेडक्वार्टर्स होते हैं, जिला मुख्यालय होते हैं। क्लियर है? तहसील की संख्या में आप देख रहे हैं सर 6, खान खमरिया, नवागढ़, अच्छा बेमेतरा भी रहेगा, बेरला, साजा और नांदघाट, टोटल कितने तहसील है? 6, पहले 4 थे, बाद में अभी 6 हो गए हैं। समवर्ती जिलों में भी कितने जिले? 6 जिले। मुंगेली, कवर्धा, मुंगेली किधर पड़ेगा, थोड़ा लोकेशन सोच के बताओ, ऊपर मतलब नॉर्थ। आजकल ना ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहा है ना, अभी आप लोग के उसमें आया था ना क्वेश्चन, अब दंडकारण्य क्षेत्र से नारायणपुर जिले का लोकेशन पूछ दिया था, अबुझमाड़ पूछा था, नारायणपुर, अबुझमाड़ का लोकेशन जो कि नारायणपुर में है ना, उसका दंडकारण्य से पूछ दिया था कि वो किसके किस साइड में है, तो मैप का थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमको पता रहे, क्योंकि अब ऐसे में रिलेट कर लोगे, रायपुर किधर है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, बलौदा बाजार उत्तर पूर्व। ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान पश्चिम साइड आएगा, दुर्ग दक्षिण आ जाएगा इस जिले के अकॉर्डिंग। ठीक है, विकासखंड में 4 रहेंगे, विकासखंड कितने हैं जी? तो 4 विकासखंड है, बेमेतरा है, साजा है, बिरला है और नवागढ़ है, टोटल 4 विकासखंड है। नगर पालिका परिषद की बात की जाएगी तो क्या है? बेमेतरा। नगर निगम है क्या बेमेतरा जिला में? नहीं। ठीक है, नगर निगम नहीं है, नगर निगम पूरे राज्य में केवल कितने हैं? 14, और नगर पालिका परिषदों की संख्या 47 है। अच्छा, 14 जो हमारे नगर पालिका है उसमें से, सॉरी नगर निगम है, उसमें से 4 केवल दुर्ग के पास है, 4 दुर्ग के पास, दुर्ग खुद हो जाता है, ठीक है, कुम्हारी, आपका भिलाई और रिसाली, ये चारों के चारों क्या है? नगर निगम है, नगर निगम नगर पालिका से बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो उस हिसाब से उनका आवंटन होता है, याद रहेगा। तो कितनी विधानसभा की सीटें जी? 6। कितने विधान सॉरी विधानसभा बोल रहा हूँ, कितने विकासखंड? 4। कितने तहसील? 6। और कितने समवर्ती जिले भी? 6। अब
विधानसभा की सीटें अगर देखी जाए तो वो कितनी है, तीन, बेमेतरा, नवागढ़, साजा, बिरला, एक साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, अभी पूछूंगा, एग्जाम ऑफ मत होना है। नेशनल हाईवे में NH 30 और थोड़ा सा टच करके निकलता है 9:30, इसलिए हमने 9:30 बनाया था, तो बस छोटे से हिस्से से बना दिया था, पर मेनली कौन सा नेशनल हाईवे पास हो रहा है, तो बीचों बीच बांट रहा है NH 30, जो कहाँ जाके मिलेगा, रायपुर। ठीक है, शिक्षा में कृषि महाविद्यालय बेमेतरा में सिचुएटेड है। स्थापना में आप सबको पता है कि दुर्ग जिले की स्थापना 1906 में की गई थी, और वर्तमान बेमेतरा, बालोद और दुर्ग इंटीग्रेटेड फॉर्म में दुर्ग जिला थे। बाद में 2012 में बालोद और बेमेतरा को स्वतंत्र किया गया। ठीक है, तो भैया बेमेतरा जिले को तत्कालीन समय के दुर्ग जिले के अंतर्गत रखा गया था। वर्ष 2012 में 9 जिलों का गठन हुआ, जिसमें से एक बेमेतरा जिला, जिसका मातृत्व जिला कौन है, दुर्ग। तो पहले बेमेतरा, बालोद और दुर्ग तीनों एक साथ 1906 में क्या बने थे, जिला बने थे। ठीक है, पर 2012 में क्या किया गया, दुर्ग से बालोद और बेमेतरा दोनों पृथक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आए। अगला देखिएगा, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वही देखेंगे कि भैया मैंने अभी बात किया था कि दुर्ग जिले के गजेटियर के अकॉर्डिंग, जो ब्रिटिशर्स के टाइम में था, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा प्राचीन काल में अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, और वर्ष 1742 से 1853 तक इस क्षेत्र में किसका शासन रहा है, मराठाओं का। क्योंकि 1741 में कलचुरी क्या हुए हैं, आत्मसमर्पण किए हैं मराठाओं के आगे, और 1742 से 1757 तक मराठाओं के अधीन कलचुरी चले हैं, फिर 1757 में बिंबाजी भोसला सीधे प्रत्यक्ष मराठा शासन की स्थापना की छत्तीसगढ़ में, जो कि कब तक चला, 1853 तक। क्योंकि 1854 में कौन आया, लॉर्ड डलहौजी, और उसने हड़प नीति अपनाई, और पूरा का पूरा जो नागपुर रेजिमेंट है, जो सेंट्रल प्रोविजेंस नाम दिया जाता था, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के राज्य आते थे, एक साथ वो ब्रिटिशर्स के अधीन चले गए ना, बाद में किसके अधीन आ गए, अंग्रेजों के। तो 1853 तक शासन चला किसका, मराठा का। फिर 54 में हड़प नीति के सहारे पूरा का पूरा ये क्षेत्र ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। क्लियर हो रहा है। चलिए भौगोलिक स्थिति की बात की जाएगी, तो भैया दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत आते हैं, और छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत ही बेमेतरा जिला भी आता है। ठीक है, शिवनाथ पार मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां मुख्य रूप से काली और दोरसा मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी है मतलब गन्ना, मक्का, जूट और धान, कपास, ये सबके लिए वेरी फेमस ना। काली मिट्टी तो कपास के लिए सबसे अच्छी है। काली मिट्टी किसके लिए सबसे अच्छी होती है, कपास के लिए सबसे अच्छी होती है, और गन्ने के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है, जब दोनों स्टेट क्लियर हो गए तो अच्छा ठीक है, अदर स्टेट के लिए काम आता है सीटेट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं सीटेट के। ठीक है, चलो, बेमेतरा जिला पूर्णतः क्या है जी, भू आवेष्टित जिला है, और कितने जिलों के सीधे संपर्क में है, 6 अलग अलग जिलों के संपर्क में है। ठीक है, ये कौन कौन से जिले हैं तो पता है, बलौदाबाजार, रायपुर, उधर साइड दुर्ग, खैरागढ़ लेफ्ट में, मतलब दुर्ग तो नीचे है, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई और कवर्धा और मुंगेली। तो ये कैसा जिला है, भू आवेष्टित जिले। भू आवेष्टित जिलों की संख्या 33 जिलों में कितनी है, 11। कितनी है, 11, क्योंकि शक्ति एक नया जिला बना, वो भू आवेष्टित में ही आ गया। क्लियर हो रहा है। ठीक, तो अभी तक का जितना पढ़े हो समझ में आया, कितने नेशनल हाईवे, 30 और 9:30। 9:30 थोड़ा सा टच करके निकलेगी, मेनली 30 है, जो बीचों बीच बांटेगी। स्टेट हाईवे 07। कितनी नदियां, दो प्रमुख नदी है, शिवनाथ और हाफ नदी, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, कितने आपके तहसील है, 6। कौन कौन से, बेमेतरा, साजा, बिरला, नवागढ़ और थान खमरिया, नांदघाट। टोटल कितने हो जा रहे हैं, 6 तहसील है, विकासखंड 4। विकासखंड में आप 4 लेंगे, क्योंकि हमको पता है टोटल 146 विकासखंड है, उसमें जो ट्राइब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजातियों के 85 विकासखंड है। अब विधानसभा की सीटें 3, एक सीट साझा बिरला को मिला के आती है, एक बेमेतरा को और एक नवागढ़ को। ठीक है, तो 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर उपस्थित हैं। अब आ जाइए, ठीक है, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था छत्तीसगढ़ के मैदान, और प्रमुख मिट्टी कौन सी पाई जाती है। आगे चल के सर आप लोग ये मिट्टी पढ़ोगे तो सर
काली मिट्टी है और डोरसा है, ठीक है। डोरसा मिक्स पॉइंट मिट्टी होती है ना, मुख्य रूप से काली और डोरसा है। अब काली मिट्टी नाम सुनते ही हम लोग समझ गए कि प्रमुख खनिज उसमें क्या क्या आने वाला है खेती में। खनिज में अगर देखा जाए तो चूना पत्थर प्राप्त होता है, और जो कि माटरा गोटा और घोटवानी से प्राप्त होता है, और डोलोमाइट है जो कि कोडवा मोहभट्टा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आप लोग के दो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स रहेंगे जो कि आप लोग के धमतरी जिले से प्राप्त हो रहे हैं, धमतरी बोल रहा हूँ, बेमेतरा जिले से प्राप्त हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। मिट्टी यहाँ पर जबरदस्त है, तो जबरदस्त मिट्टी होने के कारण इफको जिला भी बोलते हैं, मतलब एग्रीकल्चरी संपन्न जिला है। और बेमेतरा जिले में धान, कपास, सोयाबीन, गन्ना और दलहन फसल मैंने जिक्र किया ही था, ठीक है। राज्य में, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य में कपास की सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है बेमेतरा, क्योंकि मिट्टी क्या है, काली मिट्टी, जो कपास के लिए सबसे फेमस रहती है, ठीक है। और राज्य में चना का सबसे बड़ा उत्पादक भी कौन है, बेमेतरा जिला है। हालांकि ये चेंज होते रहते हैं, समझ में आ रहा है, अब किसी किसी साल कहीं पर हो सकता है क्लाइमेटिकल कंडीशन उतनी सुटेबल ना रहे, तो एकदम फिक्स नहीं बोल सकते कि हर साल चना बेमेतरा में ज्यादा होगा। वो तो डिपेंड करता है कि उस साल वहां पर कितनी बारिश हुई, कैसा प्राकृतिक वातावरण रहा, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग अन्हारी जिले की संज्ञा दिए हैं, किस जिले की, मतलब कृषि संपन्न है ना बेमेतरा जिला। आइए, बेमेतरा जिले में चंदनू और रवेली नामक स्थान में फूड पार्क की स्थापना की गई है। फूड पार्क वहीं पर सिचुएट होता है जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा उत्पादित होते हैं, तो फूड पार्क बनाया जाता है। तो भैया बेमेतरा जिले में कहां पर फूड पार्क है, चंदनू और रवेली में, ठीक। चलिए, नदियों में गुजरने वाली नदियों में कौन है, शिवनाथ नदी। नांद घाट जो है वो शिवनाथ नदी के तट पर है। आप लोगों ने ये देखा, ये जो आपका नांद घाट था ये कौन सी नदी के तट पर आ रहा था, और ये अपने आप में क्या था, एक तहसील था, तहसील था, विधानसभा क्षेत्र भी है वो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सहायक नदियों में हाफ नदी भी है, पर उसका विस्तार थोड़ा ही सा था, नीचे में आपने बस देखा था। उद्योग में आप लोग देखोगे तो भैया चंदन फूड पार्क परिसर में नवीन शक्कर कारखाना की स्थापना की जाएगी, जो कि क्या है, प्रस्तावित है, और ये राज्य का पांचवा शक्कर कारखाना, सहकारी शक्कर कारखाना रहेगा। चार ही है, जिसमें एक बालोद में हमने कल करकाभाटा में पढ़ा था, ठीक है, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, दो तो आपके कबीरधाम जिले में आ जाते हैं। खैरा उद्योग के लिए क्या है, ये फेमस है, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, व्यक्ति परिचय, तो जो बेमेतरा जिला है वहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आते हैं उनको देखिएगा। तो पहला तो रविंद्र चौबे जी का नाम आता है, ठीक है। अरे वाह, गुना राम जी बोल रहे हैं सर मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर है। तो रविंद्र चौबे जी बोल रहे हैं सर 1994 में तत्कालीन साझा विधायक रविंद्र चौबे जी ने पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था 1994 में। उसके बाद 95, फिर या 96 में शासकीय प्रतिवेदन आया, 97 तक विधानसभा में पास होकर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के शासन के बाद 2000 में छत्तीसगढ़ का क्या हो गया, निर्माण हुआ, ठीक है। तो जो ऑफिशियल उस समय के तत्कालीन विधायक विधायक भी थे ना, तो विधानसभा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए। चर्चित स्थल में नवागढ़ है, जो कि कल्याण साय के 36 गढ़ों में से एक है। आप सबको पता है कल्याण साय, ये नाम आते ही कलचुरी शासन व्यवस्था में कल्याण साय का नाम बहुत प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है, क्योंकि भारत में आप लोगों को पता है पूरा भू सुधार आंदोलन किसने चलाया, टोडरमल, अकबर के नौरत्न थे। कल्याण साय अकबर के समकालीन माने जाते हैं, ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा भी है, मुगल दरबार में इनको 8 सालों तक रखे थे, इनको 8 सालों तक मुगल दरबार में रखे थे, क्योंकि ब्रिलियंट माइंड थे। और उस समय जो कई जगहों पे आंसर जहांगीर लिया जाता है, पूछ दिया जाता है कि कल्याण साय जो कि कलचुरी राजा थे किसके समकालीन थे, तो कई बार व्यापक पीएससी में जहांगीर ले लिया आंसर और कई बार अकबर लिया है, पर वास्तविकता है जिस कालखंड में ये अकबर मुगल दरबार में थे वो अकबर का कालखंड था। और अकबर के कितने नवरत्न थे, नौ नौ रत्न थे, जिसमें से एक नाम आपने सुना होगा टोडरमल, किसका नाम,
टोडरमल भारत में पहला दिमाग आया जिसने पूरी भू राजस्व व्यवस्था की आधारभूत रचना रखी। अब आपको जान के ये हैरानी होगा कि वास्तव में टोडरमल ने क्रेडिट ले लिया। काम किसका रहा होगा? कल्याण सर। क्योंकि जब कल्याण सर छत्तीसगढ़ आए, इनको आप लोगों ने बिलासपुर में बिलासा बाई क्वेटिंग का नाम सुना होगा, ठीक है, जिनके नाम पे बिलासा कॉलेज भी है, बिलासपुर का भी नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा। तो वो लोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी इनको स्वतंत्र कराने में। साथ में एक पहलवान जी थे जो कुश्ती जीते थे, तो उन्होंने इनकी रिहाई की मांग की थी। ऐसा आप लोग ऐतिहासिक परिदृश्य में पढ़ते हो। तो जब ये छत्तीसगढ़ आए तो यहाँ की भी भूमि का पूरा राजस्व व्यवस्था इन्होंने अरेंज किया, टैक्स सिस्टम बनाया, और इनके टैक्स सिस्टम से ब्रिटिशर्स भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। तो वो लोग अपने गेजेटियर में, बिलासपुर गेजेटियर में बकायदा कल्याण साहब का पूरा वर्णन किए हैं, ठीक है। चलिए, तो कल्याण साहब मतलब मान के चल लो कि भैया उस जमाने में ब्रिलियंट माइंड, जिन्होंने पूरी भू राजस्व व्यवस्था टैक्स सिस्टम सब पे काम किया था। तो आप सबको पता है शिवनाथ नदी के दोनों ओर छत्तीसगढ़ को बांटा गया था 18 18 गढ़ों में। तो नवागढ़ और मारोगढ़, ये दोनों के दोनों क्या है? कल्याण साहब के 36 गढ़ों में से एक एक गढ़ है, क्योंकि बीचों बीच शिवनाथ नदी निकलेगी। 18 गढ़ उधर बट गए, 18 गढ़ इधर बट गए, क्योंकि रायपुर के कलचुरी और रतनपुर के कलचुरी के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। 1000 में रतनपुर में कलचुरी बैठे, 1050 में रतनदेव ने रतनपुर राजधानी बना दी। उसके बाद 13वीं शताब्दी के मध्य तक में रायपुर में, खल्लारी साइड में रायपुर में जाके रायपुर के कलचुरी की स्थापना हुई। ब्रह्मदेव राय और ये सब आप लोग नाम सुनते हो रायपुर शहर के संस्थापक के रूप में। अब उसके बाद रायपुर के कलचुरी जो थे वो रतनपुर के कलचुरी से झगड़ गए। इसी बीच में फड़ी नागवंश का अंत हो गया कवर्धा का। एक कवर्धा में बैठे थे फड़ी नागवंश, जिन्होंने गोरखदेव मंदिर का निर्माण कराया। अब वो क्या थे? वो रतनपुर कलचुरियों के क्या थे? अनुयायी थे, क्योंकि उनको वो लोग बसाए थे और पारिवारिक वैवाहिक संबंध चलता था। इन लोग बोले हमारे तरफ से आओ तुम लोग, उन लोग नहीं माने, तो इन लोग आक्रमण करके रतनपुर के, रायपुर के कलचुरियों ने फड़ी नागवंश को समाप्त भी कर दिया था। तो बाद में डिवीजन हुआ, मामला ज्यादा ना बिगड़े, तो शिवनाथ के दोनों साइड दोनों तटों पे 18 18 गढ़ बांट दिए गए। तो 36 गढ़ों में से एक आपका नवागढ़ भी है, एक मारोगढ़ भी है, ठीक है। कई बार टफ क्वेश्चन पूछता है ना, तो पूछ देता है कि रतनपुर कलचुरी में कौन से गढ़ सम्मिलित नहीं है, या रायपुर कलचुरी में कौन से गढ़ सम्मिलित नहीं थे। वो 18 18 गढ़ ध्यान में रहे तो बने, पर मैं बोलूंगा उतना ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, नॉन इम्पोर्टेंट है। आपकी किस्मत खराब होगी तो वैसे प्रश्न आएंगे, और किसी से नहीं बनते साधारण रूप से, ठीक है। पर्यटन में अगर आप जाएंगे तो भैया बेमेतरा में भद्रकाली मंदिर, नवागढ़ में खेड़ापति मंदिर, बुचीपुर में महामाया माता मंदिर, ये मैं बताना वहां पे भूल गया था, महामाया माता मंदिर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। देवकर में घुघुस राजा मंदिर है, और देवर बीजा में सीता देवी मंदिर, सती स्तंभ, ठीक है, जो कि क्या है सर? केंद्र संरक्षित स्तंभ है। केंद्र संरक्षित स्तंभ का मतलब है वहां का देख रेख, वहां का मेंटेनेंस और वहां का रिवेन्यू कलेक्शन सेंटर का होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल पे उत्तर प्रदेश की राज्य का आधिपत्य है कि केंद्र संरक्षित स्मारक है। तो ताजमहल नाम लेते ही हम समझते हैं केंद्र संरक्षित स्मारक है, सारा देख रेख सेंटर रहेगी, रिवेन्यू कलेक्शन का क्रेडिट भी सेंटर के पास रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने केंद्र संरक्षित स्मारक है? छत्तीसगढ़ में कुल केंद्र संरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी है? पुराना डाटा के अनुसार 47 था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो 47 ऐसे स्मारक हैं जिनको सेंट्रल अथॉरिटी मिली हुई है, केंद्र संरक्षित स्मारकों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नवागढ़ मेरा मायका है, ठीक है, बढ़िया है। अभी तीजा मना क्या है मुझे? ठीक है, चलिए। तो गिधवा में क्या है? पक्षी विहार, जो राज्य का पहला पक्षी विहार है, और वहां पर पक्षी महोत्सव भी मनाया जाता है। सहसपुर बजरंगबली का मंदिर है, और झालम में गौ अभयारण्य है, जो राज्य का क्या है? पहला गौ अभयारण्य। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे थे, ये रहा आपका झालम, यहाँ पर क्या है जी? गौ अभयारण्य। वही नांदघाट में पक्षी अभयारण्य, गिधवा में पक्षी विहार, बुचीपुर में क्या पढ़ा आप लोगों ने? महामाया मंदिर। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे सब कुछ।
अभी पूछूंगा लास्ट में, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। सड़क मार्ग में NH 30 है जो कवर्धा से लेकर बेमेतरा, बेमेतरा से सिंगा बिलासपुर क्षेत्र की ओर निकलती है। जिला कोड है CG 25। ठीक है, जनसंख्या के ऊपर बात करेंगे तो जनसंख्या यहाँ की लगभग 8 लाख के आसपास है। लिटरेसी रेट 70.58%। लिंगानुपात भी बेहतर है, हर 1,000 पुरुषों पे 1,001 महिलाएं हैं। और विधानसभा में 3 सीटें हैं, साझा, बेमेतरा और नवागढ़। ठीक है, चलिए, तो होप सो सबको समझ में आ गया। तो ये था हमारा बेमेतरा जिला, कब अस्तित्व में आया? 2012 में। किस जिले से पृथक हुआ? कौन से जिले से? दुर्ग जिले से। कौन सी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे पास कर रही है? NH 30। प्रमुख नदी में कौन सी नदी है? शिवनाथ। उसकी सहायक थोड़ी सी जगह पे हाफ नदी बहती है। कितने यहाँ पर तहसील हैं? 6। कौन कौन से तहसील? बेमेतरा खुद है, साजा, बेरला, नवागढ़, नांदघाट, नांदघाट और खान खुमरिया। टोटल कितने तहसील हो गए? 6 तहसील। साजा छूट गया था क्या? गिन लिया था। चलो ठीक है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 3। साजा, बेमेतरा, नांदघाट। ठीक है, नवाघाट था ना, कौन सा था जी? नवाघाट। टोटल कितनी है? 3। और जो यहाँ पर पक्षी विहार प्रथम राज्य का कहाँ स्थित है? गिधवा जिला, बेमेतरा। पहला गौ अभयारण्य झालम, बेमेतरा जिला। और नांदघाट किस लिए फेमस है? पक्षी अभयारण्य के लिए फेमस है। ठीक है, क्या बेमेतरा जिला में शक्कर कारखाना है? प्रस्तावित है सर, अभी वर्तमान में प्रस्तावित है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। ठीक है, चलिए आप बताइएगा, ध्यान देंगे कि भैया जो हमारा कहना चाहिए घुघुस राजा मंदिर कहाँ था? देवकर में। बेमेतरा में भद्रकाली मंदिर था, नवागढ़ में खेड़ापति मंदिर था, और देवर बीजा में सीता देवी मंदिर है, सती स्तंभ है जो कि केंद्र संरक्षित स्मारक के अंतर्गत आ रहा है। कल बालोद पड़े थे तो वहां सती चौरा था, यहाँ सती स्तंभ है। ये मराठा कालीन सभ्यता का प्रमाण है, ठीक है, साक्ष्य है। चलिए ध्यान देंगे, कौन से प्रमुख व्यक्तित्व तो यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं? रविंद्र चौबे, जो उस क्षेत्र के 1994 से, आप मान चलिए जब मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं था, तब छत्तीसगढ़ पृथक, छत्तीसगढ़ की मांग इन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा के पटल में की थी और शासकीय प्रतिवेदन पास किया था। और 95 के बाद से टोटल ऐसा मोड बनने लग गया था कि आज छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन के अस्तित्व में आ जाएगा। फूड पार्क कहाँ है? चंदनू और रवेली में। ठीक है, चलिए। अच्छा, बेमेतरा जिला को कृषि के प्रधानता होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम देते हैं जी? ओनहारी। क्या नाम देते हैं? ओनहारी जिले की संज्ञा हासिल है। क्या वो इफको जिला भी है? बट मैं तो नाम पूछ रहा हूं ना। ठीक है, प्रमुख खनिज में कौन सा है? डोलोमाइट था और चूना पत्थर। और प्रमुख कृषि की अगर बात किया जाए तो कपास, धान, गन्ना। और किसके किसके उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है? चना और कपास के उत्पादन में, मतलब अग्रणी का अर्थ ये नहीं है कि परमानेंट यही रहेगा। अब खेती तो आपको पता है कि बहुत से चीजों पर निर्भर करती है, क्लाइमेट कैसा है, कितनी बरसात हुई, उस हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, तो होप सो ये सारी बातें आप सभी लोग को क्लियर हो गई होंगी। चूना पत्थर, डोलोमाइट, भूअवेष्टित जिला है कि नहीं है? कौन से जिले से अलग हुआ था? कब हुआ था? 2012 में। लिटरेसी रेट कितनी है? 70.83%। पॉपुलेशन 7.95 लाख, मतलब लगभग 8 लाख। ठीक है, 2011 सेंसेक्स का आंकड़ा है वो, क्योंकि 2021 का आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो देखेंगे। नगर पालिका परिषद कितने हैं? 1। बेमेतरा नगर निगम क्या है? 0। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है बेमेतरा जिला आप सब लोग को अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। याद हो गया कि नहीं हो गया? तो कल 3 जिले अभी हमने रिसेंटली पढ़े हैं, दुर्ग, बालोद और बेमेतरा। आज शाम को एक और जिला पढ़ाऊंगा, तो इसको ना रिवाइज करते चलो भाई, रोज भाई 5 मिनट का समय लगेगा।
रिवीजन करने में। अब इसको घर जाके रिवीजन करोगे, मैक्स टू मैक्स हार्डली आपके 4-5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेंगे। तो रिवाइज कर ही लेना, दूसरी बार रिवाइज करोगे 3 मिनट लगेगा, तीसरी बार रिवाइज करोगे 2 मिनट में काम हो जाएगा। मैगी से तेज आपका रिवीजन हो रहा होगा, मैगी 2 मिनट में बनता है ऐसा बोलते हैं ना, कभी बना नहीं है, मगर आधा घंटा लगता है, प्रॉपर आधा घंटा लग जाता है। हाँ, तुम्हारा रिवीजन तो आधे घंटे में, एक पूरे संभाग का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए रिवीजन करते चलो। हाँ जी, तो मैं ना तीनों जिलों को एक साथ पूछूंगा, कौन सा वाला भाई पूछ, ये वाला, हाँ ले लो लिख लो। यहाँ पर एक एससी सीटें भी है ना, नवागढ़ क्या है, एससी सीटें हैं, राज्यसभा है, राज्य विधानसभा में एससी की टोटल 10 सीटें हैं और एसटी की 29, तो 39 सीट जो 90 सीटों में से है वो अनुसूचित जाति जनजाति को केंद्रित है, ठीक है।